बाय 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 इन अनजान रास्तों पे ये तो फ़ायदा है यार। वैसे तो हम एक ऐसे शहर में इंटर हो चुके हैं जहाँ पे मतलब एक ऐसे गांव, शहर नहीं है गांव है ये, और गांव के रास्ते बहुत सारा बाजार है। दादी सिंगाड़ा खाना है मुझे। रास्ते में ना जो ये रास्ते होते हैं ना, इन रास्तों में ना नया नया कुछ खाने को मिलता है। सिंगाड़ा तो वैसे आए दिन हम खाते रहते हैं, पर है ना ये रास्ते बड़े प्यारे होते हैं। क्या क्या रेट है दादी? कितना? 20 के 15 है ना, तो आप दे दो 40 रुपये दे दो मुझे। 40 रुपये के सिंगाड़ा खाते हैं। एडवेंचर्स में एक यही मज़ा आता है यार, अनजान जो रास्ते होते हैं ना, उन अनजान रास्तों पे अनजान अनजान दुकानें मिलती है, अनजान अनजान। यहाँ इस कौन सा गांव है छोटू? ये मढ़िया गांव है। इस मढ़िया गांव का जो सब्जी मंडी देखा मुझे बड़ा मज़ा आया देखने में। पूरा मतलब पतला सा बाजार है, एक पतला सा रोड है और एक प्यारा सा बाजार है। पर हाँ, यहाँ पूरे बाज़ार में पानी पूरी के ठेले बहुत ज़्यादा, पर मज़ा नहीं आ रहा देखने में। खाने का मन नहीं किया, पता नहीं कुछ गर्मा गर्म मिले ऐसा कोई ठेला मिला ही नहीं, तो सिंगाड़े खा लेते हैं। फिलहाल भूख लगी है बहुत तेज़, सीरियसली बहुत तेज़ भूख लगी है। आप कहाँ से हो? मैं जबलपुर से हूँ, घूमने निकले हैं हम। स्टूडेंट हो सब? यस। कौन सी क्लास? 12th में हो? कौन सी ब्रांच है, कौन सी सब्जेक्ट है? आर्ट्स। आर्ट नहीं बोलते उसे, आर्ट्स बोलते हैं। आर्ट्स ARTS होता है, टी होता है पर टी की वैल्यू नहीं होती। आर्ट्स 12th है ना, मेहनत जा रही है, एंड चल रहा है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय। दादी कितने हुए? दादी मुझे प्यारी सी स्माइल दे रही है। दादी दादी इसमें से ले लो, ठीक है दादी? रख रख लीजिए आप, कोई बात नहीं। दादी से मैंने सिंगाड़ा लिया, सिंगाड़ा खाओगे ना? अरे फाड़ो इसे। अच्छा आराम से फाड़ो, ऐसे ही नहीं। अरे फाड़ दो इसे। इन अनजान रास्तों पे यही मज़ा आता है कि यार मतलब अनजान अनजान लोग तो हमें हर शहर में ही मिलते हैं, गांव में भी मिलते हैं, पर है ना इन अनजान रास्तों में जो बाजार मिलते हैं, ये चाचा जो प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं, और मतलब मुझे बाजार देखना मुझे बहुत पसंद है, मुझे ना बाजार देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। हाय फिलहाल सिंगाड़ा खाते हैं। चाचा एक तो मटर दो ना यार। बस दो मटर चाचा से बोल रहा हूँ मैं, दो मटर मुझे दे दो। चाचा बोलते वहाँ से खरीद लो, पर मैंने बोला चाचा ओनली दो चाहिए, तो चाचा बोलते अच्छा जल्दी बांध ली थी पर तुम खुलवा के मानोगे। मटर मुझे बड़ी अच्छी लग रही है यहाँ पे यार, भरी भरी मटर है चाचा है? देखो कितनी भरी हुई है यार, ये गाँव की मटर होगी ना, यही खेतों की। क्या नाम है आपका? 3 दे दी चाचा, थैंक यू। अच्छा नाम, चलिए छोड़े, दोस्त हैं आप मेरे, ठीक है? उम्र में बड़े हैं पर हंसमुख चाह रहा है, तो अच्छे इंसान है। 3 मटर मेरे पास, टेस्ट लेके बताता हूँ कैसी है। मटर बहुत ज़्यादा भरी भरी हुई है, बहुत ज़्यादा भरी हुई है। मीठी नहीं है, फीकी है पर भरी हुई है, फीकी है फीकी। सिंगाड़ा कैसा है? सिंगाड़ा तो अच्छा है। अच्छा और चीज तो और खा लीजिए, कोई टेंशन नहीं। आप ही का माल ही समझ लीजिए। एक और ट्राई करता हूँ, ठीक है?
कोई भी अच्छा मोमेंट आता है ना आगे, अभी तो वैसे भी हम 100 किलोमीटर दूर है अपने जबलपुर से। 140 से 150 के आसपास हम दूर हैं। इससे भी एग्जिट पता नहीं, मैप चला रहा उससे बता रहा है ये, तो ना आगे रास्ते में कोई भी इस 150 किलोमीटर की और सफर है जबलपुर तक का ना, इसमें कोई भी अच्छी मूवमेंट आती है रास्ते में तो मैं कैप्चर करूँगा, चाहे वो रोड पे आए या सिटी कोई भी शहरों में अच्छी मूवमेंट आए मैं कैप्चर करूँगा। फुल इन्जॉयमेंट चल रहा है यार, ये जो सफ़र है ना खजुराहो से वापस जबलपुर जाने का, इस सफ़र में नए नए गांव पड़ रहे हैं बीच में। एक गांव का नाम तो था विनती, एक गांव का नाम है हटा, बड़े अजीब अजीब से नाम है। हाय चाचा, कैसे हैं आप? सब बढ़िया, मज़ा में। तो ना ये मंगोड़े हैं और इस पर एक हरी धनिया पुदीना, पता नहीं कौन चाचा कौन सी चटनी है, हरी वाली है टमाटर और धनिया पुदीना पत्ती और मिर्ची। अच्छा, इनके यहाँ एक हटा जो ये गांव है ना, ये गांव ही है ना हटा, गांव है या शहर है? शहर है या गांव है? जिला है हटा, जिला है तहसील है हटा, तहसील हटा, हटा तहसील है और जिला दमोह है। अच्छा, तो ना ये तो मोरे ने तो मंगोड़े भी खाए हैं ना। अच्छा, और ओम ने भी खाए मंगोड़े, मंगोड़े मैं भी खा रहा हूँ, और इन दोनों ने समोसे आलू अंडे भी खाए, मैंने भी आलू अंडे खाए, तो मुझे सबसे बेहतरीन ये लगे मंगोड़े। मंगोड़े पे जो हरी चटनी है ना ये और भी बेहतरीन। तो मैंने मैंने ऐसे मंगोड़ा हाथ में लिया, ये उठाया तो ये खा गया हूँ, और इसी बीच में ये भी मेरे मंगोड़े साफ कर रहे हैं। चोरों से सावधान। चलो फिलहाल अभी भी 90-80 किलोमीटर दूर है हमारा जबलपुर, तो ना इस रास्ते पे चलते हैं आगे, और भी बहुत सारे गांव पड़ेंगे, शहर पड़ेंगे अभी रास्ते पे, तो हर शहर में खाने पीने का लुफ्त उठाते हैं, और कुछ भी अच्छा मोमेंट आता है तो मैं कैप्चर करता हूँ। चाचा बड़ी प्यारी से स्माइल दे रहे हैं। चलो निकलते हैं हम यहाँ से, कोई भी अच्छा मोमेंट आता है तो मैं कैप्चर करता हूँ, बढ़िया वाला मोमेंट। फाइनली मुझे चाय मिल गई यार, बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था कि चाय मिलेगी, मिली नहीं रही थी, फाइनली मिल गई। टेस्ट उतना जैसा नहीं है जैसा मुझे पसंद है, पर ठीक है, नॉट बैड, मतलब मिली नहीं रही थी, जहाँ मिल जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। कुछ अलग थी, कुछ अलग है ना, बोला था ना गाँव वाला अलग फील आ रहा है, गाँव वाला दमो की चाय मतलब जिला की हटा, हाँ हटा की चाय है ये, हाँ जो मैं कह दूँ चीज़ है, हाँ बस शर्म आ जाएगी। कितने टाइम तक ये चुप रहता है, चाय पियो बिस्किट खाओ, बिस्किट खाओ चाय पियो बिस्किट खाओ और बाद में सो जाओ, और बाद में आज ही आइए कॉफी। तो फाइनली जबलपुर में 280 किलोमीटर गाड़ी चलाई है नॉन स्टॉप मैंने। किसने चलाई? सर ने। 280 किलोमीटर नॉन स्टॉप मैंने गाड़ी चलाई है ना, मतलब मज़ा आ गया। क्या नए नए रास्ते देखे यार, जिस रास्ते से हम खजुराहो पन्ना मैयर गए थे ना, उस रास्ते को हमने बदल दिया, एंड एक अनजान रास्ते से होते हुए वापस जबलपुर आए 280 किलोमीटर। ओम 280 किसने चलाई? अभी मज़ा आ गया, क्या रोड था यार, क्या एडवेंचर था, रास्ते में कितने गांव पड़े, कितने रोड पड़े, कितनी दुकानें पड़ी, कितना उसके भी पड़े, बहुत सारी जगह हम रुके भी थे, हमने बातचीत भी की, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। एंड अब मैं कब व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा मुझे पता नहीं, फिलहाल तो ये अच्छा मोमेंट था कि हम जबलपुर पहुँच चुके हैं, और तो दिमाग हेडिक भी हो रहा था, तो सोचा कॉफ़ी पी लेते हैं, यहाँ कॉफ़ी हम पीने हमेशा आते रहते हैं, एक दुकान है जबलपुर में जहाँ हम आते रहते हैं। एंड फिलहाल के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी कोई अच्छा मोमेंट आएगा तो ज़रूर शेयर करूँगा, फिलहाल गुड नाइट, बाय बाय।
अब बोल बाय बाय गुड नाइट बाय बाय से गुड नाइट अभी तो घर भी जाना है अपन को तो वो तो वहाँ कोई अच्छा मोमेंट मिला ही नहीं तो मिलेगा मिलेगा मम्मी का मोमेंट मिलेगा ना इस मोहरे की मम्मी इसे देखेगी तो बड़ी खुश होगी क्योंकि 9 दिन बाद लौट रही है और बस यही मोमेंट होगा जो ये कैप्चर शायद नहीं करेगा क्योंकि ये ब्लॉगिंग अभी बनाता नहीं है ब्लॉग बनाता नहीं है और फिलहाल रही बात मेरी तो मैं करता हूँ बहुत जल्दी आप सभी से बात कुछ अच्छे मोमेंट के साथ